चलो आज मैं मिलवाती हूँ अपनी कोको से। कोको हमारी बहुत मस्ती करने लग गई है जब से हमारे घर में आई है। स्टार्टिंग में हमारे लिए भी ये नहीं थी और इसके लिए भी घर नया था और हम दोनों भी नए थे, लेकिन धीरे धीरे कोको अपने ही घर में बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही है। उसको पता लग रहा है कि ये मेरा घर है और ये दो लड़कियाँ मेरी मदर है। ये सच में बच्चों से कम नहीं है, ये बच्चों की तरह ही रहती है, इनको बच्चों की तरह ही पालना पड़ता है। मैं इसको बहुत छोटी सी 40 डेज का अडॉप्ट करके लाई थी, आज 5th या 6th डे है इसका यहाँ पे और ये मिक्सअप हो चुकी है। ये बेडरूम इसका है, मैंने अपना बेडरूम छोड़ दिया है क्योंकि इसको अपने बेडरूम में सोना बहुत पसंद है। जब इसको गर्मी लगती है तो ये नीचे सो जाती है, जब इसको ठंड लगती है तो ये गद्दे पर आ जाती है, तो ये बहुत इंजॉय कर रही है। लेकिन चीज़ें खेलना तोड़ना फोड़ना ये सब चल रहा है हमारे घर में, लेकिन अभी धीरे धीरे एडिकेट सीख रही है। वॉशरूम में जा रही है पॉटी करने और सुसु करने, वो बाहर नहीं करती है, या तो बालकनी में जाती है, घर गंदा नहीं करती है, अब ये करने लगी है, पहले ऐसा नहीं था। तो आपको धीरे धीरे उनको समझना पड़ेगा और हमें जब इससे बात करनी पड़ती है तो हमें इसकी कॉन्वर्सेशन में बात करनी पड़ती है, हम बोल के इसको कुछ नहीं समझा सकते। सो ये सारा दिन यही करती है, इसके खिलौने ही पूरे घर में फैले होते हैं। तो अभी 40 डेज की है तो इतनी लंबी है, बड़ी होगी तो पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी, बट यस हमें बहुत मज़ा आता है। सेकेंड थाट हमारे दिमाग में आजकल कोई नहीं चलता अपने काम और इसको लेके या घर, अपनी लाइफ में हम इतने बिजी हो चुके हैं इसके आने के बाद, तो मुझे तो लग रहा है कि और तो कोई थॉट ही नहीं रहा है हमारी लाइफ में सोचने का। सो मैंने सोचा कि आज वॉइस ओवर करके इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, वरना पीछे से हमारी कॉन्वर्सेशंस तो कुछ हटपटी चल रही होती हैं जो सुनने के लायक तो बिल्कुल ही नहीं है। सो मैंने सोचा चलो आज वॉइस ओवर। ये है प्रकृति की चप्पल जो घर में पहनती है और उसके हाल देख लो, एकदम फ्रेम करके लगाने लायक है। सो ये अभी इसको आदत है। अभी इसके कुछ खिलौने प्रकृति ने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे बट वो अभी तक आए नहीं है। सो अब ये बाउल हम इसको नहीं देते हैं स्टील का, क्योंकि ये पूरा फर्श पे कट कट करता है और नीचे वाले लोग डिस्टर्ब होते हैं। सो आई थॉट कि अब इसको ये नहीं दिया जाएगा, प्लास्टिक ये तोड़ देती है, तो हमने इसके लिए कुछ ऐसा ऑर्डर किया है कि जिससे ये खेल भी पाए और जिससे आवाज़ भी ना हो। धीरे धीरे चीज़ें हमें पता लगने लगती हैं जब हमारे साथ कोई रहने लगता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर, क्योंकि दोनों एक ही तरह के होते हैं। दोनों को दोनों की मतलब लाइफ में कोई फ़र्क नहीं होता, बस इनकी लाइफ में ये फ़र्क होता है कि ये चिल करते हैं हमेशा, हम इतना चिल नहीं कर पाते क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत करियर लेके और बहुत सारी चीज़ों को लेके स्ट्रेस होता है। इनकी लाइफ में स्ट्रेस सिर्फ एक ही है कि ये हमें प्यार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट्स इट। सो ये अब बहुत फ्रेंडली हो चुकी है इस घर में, अकेले भी रह लेती है, बट हाँ जब अकेले तो पता नहीं है, अकेले कभी छोड़ा ही नहीं हमने इसको। प्रकृति ऑफिस आने से बाद इसी के साथ खेलना पसंद करती है, सबसे पहले उसको कोको ही चाहिए, कोको कहाँ है, कोको को भी फिर उसके बाद पूरा दिन वो देखती है कि वो नहीं है घर पे, शाम को आके वो चिपक जाती है प्रकृति को। अब प्रकृति ने इतना प्यार तो कभी किसी डॉग को नहीं किया होगा जितना वो इससे करने लगी है। इवनली प्रकृति डॉग को किसेस भी नहीं करती थी, इसको वो भी करती है, तो शी इज़ वेरी लकी। और प्रकृति मोस्टली कैट लवर है। सो ये है हमारे घर के क्वेश्चन जो बेड पे कम फर्श पे ज़्यादा होते हैं, सी। लेकिन कोई बात नहीं, हम हैं, हम उठा के इसको दोबारा वापस बेड पे भी रखेंगे और फिर इसी से इसको डराएंगे अगर ये कुछ काट रही है, बट ठीक है ये समझ जाएगी। मुझे लग रहा है अभी बहुत बच्ची है, जैसे बच्चे शरारते करते हैं, फिलहाल अभी इसका वही हाल है। बड़ी होगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आई होप आई विश कि ये ठीक हो जाए, ये सब वैसे अच्छे से आराम से करे, बट हाँ थोड़ी बहुत शरारते तो बनती है इसकी, इतना तो ये डिजर्व करती है। हेलो कोको, कोको को सब समझ आता है, सब सुनाई देता है, उसको पता है कि कब उसको डांट रहे हैं कब नहीं, लेकिन वो लाड दिखाने में कभी भी वो नहीं करती। वो इतना प्यार देती है, वो इतना प्यार देती है, मुझे नहीं लगता इस दुनिया में आपको आपके माँ बाप के सिवाय कभी किसी ने इतना प्यार दिया होगा। सो मैं तो प्रीफर करूँगी कि आप लोग भी सब प्लीज़ एक डॉग अडॉप्ट कर लो और उसके बाद फिर आपको कोई इश्यूज ही नहीं रहेंगे। हाँ हमें पार्टी जाने में थोड़े इश्यूज होते हैं, बट थैंक्स टू गॉड माई सिक्योरिटी गार्ड, वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। जब हमें पार्टी जाना होता है तो वो उसको हैंडल कर लेते हैं, बाकी दिन में तो हम कर ही लेते हैं। जब ये थोड़ी बड़ी होगी तो फिलहाल आज फिर मेरा भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो मुझे कोई इश्यूज नहीं होते हैं, मुझे लैपटॉप से ही काम करना पड़ता है।
पर ये क्यूट बहुत है, बहुत क्यूट है ना कोको। आप कोको के दांत इतने तीखे हो गए हैं ना कि आजकल तो इतनी लंबी है कि खुद छलांग लगा के बेड पे भी चढ़ जाती है और सोफे पे भी चढ़ जाती है। इसकी वीडियोस भी मैं कभी बनाऊंगी, क्योंकि ये ऐसे टाइम पे होती है सोफे बेड पे चढ़ती है जब मेरे हाथ में कैमरा या फोन नहीं होता है। सो यस, आई लव हर सो मच। एंड इसकी मस्तियाँ उफ पूरा दिन घर में चलती हैं। सी इस पे, ये इसकी कारपेट है, इसका हाल देख लो।